वेलकम टू त्वरिता'स वर्ल्ड। आज आप देखने वाले हैं H&M बेबी हॉल। मैंने अपनी बेटी के लिए H&M के कुछ क्लोथ्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आज और आपको बहुत मजा आएगा। और प्राइस रेंज भी मैं लगा दूंगी उसके साथ, हो सकता है प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो क्योंकि मे बी जब मैंने मंगाया था तो उस टाइम कुछ डिस्काउंट मिल रहा हो, एंड डिस्काउंट आपको पता है H&M में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लाइक सेल कभी 70, कभी 60, 50, 40, 30, 20, 10 तक भी आ जाती है, तो उनके डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो फर्स्ट इज रॉम्पर। एक्चुअली मैंने बहुत सारे रॉम्पर्स नहीं मंगाए हैं बिकॉज विंटर्स आने वाले हैं, एंड विंटर्स आने से पहले भी जब मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगता है, जैसे जो अब मौसम चल रहा है, हम रहते हैं उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, बट दिस इज नॉट नैनीताल हिल, तो हिली एरिया में अभी हम नहीं रह रहे, हम रह रहे हैं रामनगर, जिम कॉर्बेट आपने सुना होगा। तो दिल्ली से आई थिंक सिर्फ 5 to 7 डिग्रीज का फर्क होता है, बट यस गर्मी यहाँ पर भी बहुत होती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रॉम्पर जो मैंने मंगाया है। सो दिस इज द रॉम्पर। इस पे ये क्यूट क्यूट से लायन है या टाइगर है या चीता है, दैट आई एम नॉट श्योर, ये इस पे प्रिंट बना हुआ है और ये है रॉम्पर। ये मैंने रॉम्पर्स इसलिए बहुत ज्यादा मंगाए हैं क्योंकि आप इसको किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो अलग अलग चीजों के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट वन, फुल स्लीव्स, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है इस मौसम के लिए आई थिंक नवंबर तक तो थोड़ा बहुत ठीक ठीक ही रहता है, तो उस मौसम के लिए ठीक रहते हैं ये। सेकेंड रॉम्पर इज दिस वन, तो ये है इस स्टाइल में, इसे क्या कहते हैं यार मैं भूल जाती हूँ हर बार, इसमें है इसका आई थिंक ये, इसने ये और एक और इसने एक बार पहन लिया है तो आई थिंक इस पर टैग नहीं है, जो कुछ कहते हैं ना मुझे याद नहीं आ रहा है, जो लाइन लाइन वाला स्टफ होता है क्या कहते हैं, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये है फुल स्लीव्स एक और रॉम्पर जो नीचे से ऐसे बंद हो जाता है विद पिच पिन नीचे, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रॉम्पर। थर्ड रॉम्पर इज दिस वन, दिस इज इन ब्लू कलर, अगेन ये वही वाला है स्टाइल फैब्रिक, मुझे याद नहीं आ रहा यार क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन स्टाइल, हम बड़ों की टी शर्ट्स भी आती हैं इसमें। अगेन फुल स्लीव्स, ये सारे फुल स्लीव्स ही मंगवाए हैं मैंने रीजन से, क्योंकि अभी जो वेदर चेंज होगा तो उसके लिए तो चाहिए चाहिए, एंड मोर ओवर जैसे विंटर्स आएंगे तो उसके नीचे पहनने के लिए भी हमें ना फुल स्लीव्स कपड़े चाहिए होते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लम आती है, आप सब मदर्स समझेंगे इस बात को। जैसे हमें कुछ भी अगर स्वेटर स्वेटशर्ट या कोई भी हमें जैकेट बनानी है विंटर में, उसके लिए हम हमेशा वार्डरोब में बच्चे के यही ढूंढते रहते हैं कि फुल स्लीव्स टी शर्ट्स कौन कौन सी हैं, तो वो होना तो बहुत जरूरी है, इनफैक्ट ज्यादा होनी चाहिए वो। सो दिस इज द थर्ड रॉम्पर, एंड अनदर वन इज दिस रॉम्पर, ये भी फुल स्लीव्स है, इस पे ऐसे डॉट डॉट्स वाले ऐसे डिजाइन है, ठीक है। सो दिस इज द स्टाइल, और मैं आपको बता दूं यार ये जो मैंने साइजेस मंगाया ना, दिस इज 3 to 4 इयर्स के बच्चे के, शी इज 2 इयर्स ओल्ड, मतलब ये अभी 2 साल की हुई है 11th ऑफ सितंबर को, लेकिन मैं उसका एक साइज लाइक एक या दो साइज हम बोल सकते हो, मैं ज्यादा ही मंगाती हूँ ताकि उसको थोड़ा कंफर्टेबल रहे, इसलिए जस्ट टू गिव हर कंफर्ट, तो मैं थोड़ा सा लूज ही मंगाती हूँ, लूज क्या वैसे भी उसको 2 साल के बच्चे के कपड़े तो वैसे भी नहीं आते हैं, थोड़ा सा बड़े ही आते हैं। सो दिस इज द अनदर सेट, और इसमें प्राइस 999 है 1000, लेकिन मुझे याद नहीं अभी कितना है, जो भी होगा मैं आपको उसका पिक्चर विद द प्राइस जो अभी अवेलेबल है वो मैं आपको लगा दूंगी। सो दिस इज द अनदर वन, एंड अनदर रॉम्पर इज दिस वन, ये प्लेन कलर में है, आई थिंक दिस कलर इज, इस कलर को क्या बोलते हैं, माउस कलर आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माउस और कॉफी पता नहीं, तो ये कुछ कलर है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। दिस इज अनदर वन, नेक्स्ट वन इज दिस, इस पे बने हुए हैं कार्स, ये सब गाड़ियों के डिजाइन बने हुए हैं इस पे, पता नहीं आपको पास से नजर आएंगे नहीं आएंगे, सारे ही सेम प्राइस रेंज के हैं, हाँ ये भी 1000 का है और अभी कितने का है पता नहीं, और मैंने कितने का लिया मुझे ये भी याद नहीं है, मैंने इकट्ठे मंगवाए थे, ये भी 3 to 4 साल के बच्चे का साइज है। और रॉम्पर मंगाने का ना पता है एक फायदा और भी होता है, स्पेशली विंटर्स में, मतलब समर्स का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जब बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं सबको ये प्रॉब्लम होती होगी बच्चों के साथ, तो जैसे ही हम उनको कपड़े पहनाते हैं कुछ भी पहनाते हैं, अगर रॉम्पर नहीं है तो वो कपड़े ऊपर हो जाते हैं और बच्चा जो है नीचे से नंगा नंगा सा होता है यार, ऊपर से हवा लगती है, फिर वो बीमार होने की चिंता, इस चिंता को खत्म करने के लिए रॉम्पर इज द बेस्ट डिसीजन। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सो दैट इज कोट सेट्स जो दो मैचिंग के होंगे, सो दिस इज द फर्स्ट वन, ये ना वही वाला है फैब्रिक,
मुझे याद नहीं आ रहा यार इसका नाम, बट दिस इज क्वाइट क्यूट एंड प्यारा सा डिजाइन है इस पे ये वाला. दिस इज द टॉप एंड दिस इज द ट्राउजर. सो दिस इज द कोट सेट, रोम्पर कोट सेट. एंड कोट सेट तो इसके बहुत मंगाए थे मैंने, कहां गए हैं? मेरे ख्याल से इसके उसमें रह गए अलमीरा में. कोई बात नहीं, तो आपको बाकी चीजें दिखा देती हूँ. एंड दिस इज द ट्राउजर. ये प्योर कॉटन है, इतना पतला फैब्रिक है तो अभी के लिए ये बहुत अच्छा है, आगे जाके तो शायद नहीं पहन पाएगी. तो ये ऐसा है लाइक हाई वेस्ट होता है ना, इसके नीचे आपने कुछ भी पहना दिया, टॉप या क्रॉप टॉप, तो बहुत कूल लगेगा ये. सो दिस इज, और नीचे से ऐसा है, क्या कहते हैं इसको, चीनोस नहीं कुछ कहते हैं स्टाइल को, आई डोंट नो. मैं सबके फोटोज एंड प्राइजेस लगाती रहूंगी साथ साथ. एंड अनदर वन इज दिस हुडी फ्रॉक. आपको मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ. पहले ये प्रशांत ने पसंद करी थी और प्रशांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको फ्रॉक्स स्कर्ट्स ये सब चीज़ें पहनाना, पता नहीं क्यों उसको ज़्यादा बिल्कुल गर्ली गर्ली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और मदर को वो चीज़ें पसंद आती हैं. तो हम लोगों का यही चलता रहता है दोनों का कि नहीं, वो कहते हैं नहीं क्या बना दिया उसने बेकार था, तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. तो उसको दिस इज द फर्स्ट टाइम जो उसने खुद पसंद करी है ये, उसको बहुत अच्छी लगी थी. बिकॉज दिस इज क्वाइट स्मार्ट पीस, ये हुडी के साथ आता है एंड इसका स्टाइल भी बहुत क्लासी है, चेक डिजाइन. और अगर इसके अगर हम लॉन्ग बूट्स के साथ या वैसे कभी स्टाइल करेंगे ना, तो शी लुक वेरी क्यूट. एंड इसका प्राइस, ये महंगी थी, ये 23 है ना, यस 2300 का था ये फ्रॉक. महंगा था तो इसलिए मैं थोड़ा डाइसी ओढ़ के लूँ ना लूँ, क्योंकि बड़ी स्मार्ट लग रहा था और जहाँ प्रशांत को जो चीज़ पसंद आ जाए फिर तो इट्स लाइक. तो ये हमने एक फ्रॉक ऑर्डर की थी. आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसको मैं जल्दी से ये पहनाऊँ क्लोज, जल्दी से ठंड आए. और अनदर वन इज ट्राउजर. तो ये ना अगेन आई थिंक हाई वेस्ट ही होगा, क्योंकि क्या कहते हैं स्टाइल को मुझे याद नहीं आ रहा जो हम ऊपर ऊपर पहनाते हैं. आई थिंक इसमें लिखा होना चाहिए, वेट लेट मी चेक. ये भी 3-4 इयर्स का है, प्राइस 1000 रुपीज है, और स्टाइल नहीं लिखा यार इसमें, पढ़ना पड़ेगा बहुत. तो यही है देख लो, ये इलास्टिक वाला जो होता है हाई वेस्ट में पहना सकते हैं, नीचे से पेन स्टाइल है. एंड स्टफ इसका ना कोटराइज पेंट्स आते हैं जो थोड़ा उस टाइप में है, मैं पास से दिखाती हूँ. इसका डिजाइन ये है डॉट डॉट्स, बहुत क्यूट है ये, कलर भी बहुत प्यारा है इसका. दिस इज द ट्राउजर. अनदर ट्राउजर इज दिस इज द पेंट, डेनिम में है ये, और इसका प्राइस भी 1000 रुपीज है. बाकी डिस्काउंट में कितना था मुझे याद नहीं है अभी. अच्छा, और ये पेंट है, जीन्स है बेसिकली, डेनिम स्ट्रेट, कलर इसका बहुत प्यारा है. सो दिस इज द कलर. तो इसमें आपको ना ये अंदाजा मिल जाएगा कि व्हाट आई सी वर्सेस व्हाट आई हैव गॉट. सो व्हाट आई हैव, क्या कहते हैं उसको, व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट वाला जो वीडियो बनता है. सो दिस इज इट, नॉट दिस इज इट यार, है अभी दो हो रहे हैं चीजें. सो दिस इज द अनदर वन. ये स्वेट शर्ट में ही कहेंगे इसको, इसका प्राइस इज ओनली 500. मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, सस्ता ही है. एंड ये भी 3-4 इयर्स में है. इसका ना फैब्रिक ऐसा है, कुछ वॉर्म भी है, क्लासी भी है, कलर भी बहुत प्यारा है इसका. एंड यूनिसेक्स आई थिंक, ये बॉयज भी ले सकते हैं, बट दिस इज फॉर गर्ल्स आई गेस, आई एम नॉट श्योर. तो ये है स्वेट शर्ट और स्वेटर या फिर टी शर्ट, जो भी कह लो इसको. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट विच इज दिस जैकेट कम टी शर्ट या शर्ट, शर्ट सॉरी नॉट टी शर्ट, बट इसको शर्ट कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट शर्ट, इसको हम जैकेट ही कहेंगे क्योंकि बहुत मोटा है इसका स्टफ. देखो इसका अंदर से फैब्रिक ऐसा है एंड दिस इज क्वाइट वार्म, बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल एंड वार्म रहेगा विंटर्स में. इसका प्राइस इज 1500. दिस इज द प्राइस, ऊपर आपको दिख जाएगा कि डिस्काउंट इसमें है कि नहीं है या कितने का है, अभी पता चल जाएगा आपको. 3-4 इयर्स इसका वो है एज, पीछे से ऐसा है, कॉलर स्टाइल है और इसके स्लीव्स पे ये डिजाइन बना हुआ है. दिस इज अगेन यूनिसेक्स, आप इसके लिए बेबी गर्ल के लिए भी देख सकते हैं, बॉयज के लिए भी देख सकते हैं. एंड बटन्स इसके ऐसे हैं कुछ. सो दिस इज द लास्ट वन, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो विच इज H&M बेबी हॉल. ये मेरा फर्स्ट H&M हॉल है जो मैंने अपने बेबी का रिकॉर्ड करके डाला है. मैंने इससे पहले आज तक कोई भी हॉल वीडियो नहीं बनाया है, और
आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड नर्वस टू, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि हॉल में क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे दिखाना होता है, क्या करना होता है, क्योंकि नॉर्मल ब्लॉगिंग ही स्टार्ट करी है मैंने अभी अभी, और ब्लॉगिंग क्या, ब्लॉगिंग भी मैं अभी सीख ही रहे हैं यार, अभी आए हम लोग इस लाइन में तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। चलो जी, लाइट भी चली गई है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हमारी वीडियो यही खत्म होती है और मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू त्वरितास वर्ल्ड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।